नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित निकेतन अनिल जोशी आपका एक बार फिर से करता हूं स्वागत हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस महीने में अप्रैल महीने में प्रदोष व्रत की सही दिनांक क्या है। जी हां, अप्रैल महीने में प्रदोष व्रत की पहला प्रदोष व्रत कब आने वाला है, पूजा का मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है और महत्व क्या है, सारी जानकारी डिटेल में आपको इस छोटे से वीडियो में मैं देने वाला हूं। लेकिन यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस बार अप्रैल महीने में पहला प्रदोष व्रत की सही दिनांक क्या है। जी हाँ, 14 अप्रैल। जी हाँ, 14 अप्रैल गुरुवार को इस बार अप्रैल महीने का पहला प्रदोष व्रत आ रहा है। कहते हैं कि प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और मन में सारी मंगल कामनाओं की पूर्ति भी होती है। बात करते हैं त्रयोदशी तिथि की, यानी कि 13 तिथि प्रारंभ कब होगी और समाप्त कब होगी। 14 तारीख को, जी हाँ दोस्तों, 14 तारीख को सुबह 4:50 में प्रदोष व्रत की तिथि प्रारंभ हो जाएगी और अगले दिन यानी कि 15 तारीख को दोस्तों सुबह 3:55 में यह प्रदोष व्रत तिथि समाप्त होने वाली है। तो प्रदोष व्रत करना कब है? 14 अप्रैल को आपको प्रदोष व्रत करना है। 14 अप्रैल को बात करते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त हमें क्या मिलने वाला है। दोस्तों पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को, देखिए प्रदोष व्रत की पूजा है तो संध्या काल को ही होती है, तो शाम को 6:46 से पूजा का मुहूर्त स्टार्ट हो जाएगा और रात को 9 बजे तक के यह मुहूर्त रहने वाला है। यानी कि 6:46 से रात के 9 बजे तक के पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। पूजा कैसे करना है? भगवान शिव जी का संध्या काल के समय आपको पहले गंगा जल से, दूध से और उसी के साथ पंचामृत से अभिषेक भी करना है। इसके बाद जनेऊ, चंदन, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत इत्यादि से भगवान शिव जी की पूजा करना है और भगवान शिव जी को पुष्प माला भी चढ़ाना है, भोग लगाना है मिठाई का और इत्यादि से भगवान शिव जी की विधि पूर्वक पूजा करके प्रदोष व्रत की कहानी को भी सुनना है। इसके बाद दोस्तों शिव चालीसा पढ़ना है, आरती करना है शिव जी की और प्रसाद को अपने सारे परिवार में वितरित कर देना है। इस तरह से आप प्रदोष व्रत की पूजा कर सकते हैं। वीडियो में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ओम नमः शिवाय।